वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो अगर आपको प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम अगर कंप्लीट करना है, जो कि 30 डेज का रहेगा, और इसमें मैं आपको लाइव लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं और लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसमें लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, 10 फोल्डर कोर्स जिसमें सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, इस तरह से बहुत से 10 मोल्ड रहते हैं, ठीक है। तो उसके कंप्लीट कंपोनेंट और सोर्स फाइल में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो 500 रुपी रजिस्ट्रेशन फीस है इसका। अगर आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, नीचे जो नंबर लिखा है, जो नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज करके इसका सिलेबस और इसकी डिटेल ले सकते हो, ठीक है। अगर मोल्ड डिजाइन कोर्स के लिए आपको एनेक्सोमीग्राफिक्स का नॉलेज होना चाहिए, कैड कोर्स का आपको पता होना चाहिए, बेसिकली कैड सॉफ्टवेयर की स्किल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो 15 डेज का बेसिकली कोर्स है। अगर आप उसको भी करना चाहते हो तो पहले आपको एनेक्स सीखना होगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट मो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं इंजेक्शन मोल्ड में कि इंजेक्शन मोल्ड की बेसिकली प्रोसेस कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो हमको एक मोल्ड बेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो पता ही है। तो कई इसके अंदर प्लेटें होती हैं, कई मोल्ड बेस होता है, बेसिकली कोर केविटी, ठीक है। उसके बाद कोर बैक प्लेट, केविटी बैक प्लेट, और यहाँ पर आप कुछ इंसर्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में यहाँ पर आपको कुछ गाइड पिलर, गाइड बुशेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ब्लॉक्स जैसे चीजें नजर आ रही हैं, बुशेस नजर आ रहे हैं, प्लेट नजर आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये बनते कैसे हैं, इसको कंप्लीट जो बनाते कैसे हैं, इसके अंदर कोर और केविटी होता है। केविटी जो होता है बेसिकली एक होलो शेप है, आप इसको इम्प्रेशन बोल सकते हो, एक फीमेल पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। और कोर जो होता है उसको आप मेल पार्ट बोल सकते हो। तो बेसिकली मेटल का होता है कोर और केविटी। में एक थंब रूल आप ध्यान रखिएगा कि कोर और केविटी बेसिकली हार्ड मटेरियल की बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे P20 मटेरियल, S13, H11, ऐसे कई तरह के हार्ड मटेरियल होते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कोर और केविटी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मशीनिंग जो डिपेंड करती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। देखो मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहां से स्टार्ट होता है, मतलब कंप्लीट जो मोल्ड कहां से स्टार्ट होता है, सबसे जो बेसिक जो चीज होती है वो होती है डिजाइन। मोल्ड का पहले आपको किसी कैड सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एनेक्सोनोग्राफिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एनेक्सोनोग्राफिक्स मैं खुद सिखाता हूँ, तो आपको पहले एनेक्स का कैड का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो एनेक्स का कैड का नॉलेज अगर अगर आपको होगा तो आप मोल्ड को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। 3D में जब मोल्ड डिजाइन हो जाता है, उसके बाद डिपेंड करता है उसकी प्लेटों के ऊपर, बॉम के ऊपर, जिसको बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो कितना हमको स्टील को और मोल्ड बेस के लिए जो मटेरियल है, MS मटेरियल, P20 मटेरियल, C45 मटेरियल, हमको कितना ऑर्डर करना है, फिर हम ऑर्डर करते हैं स्टील को, मटेरियल को, ठीक है, मोल्ड बेस के लिए या कोर केविटी के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टील का इंस्पेक्शन होता है, जो भी मटेरियल हमारे पास आता है उसका इंस्पेक्शन होता है, क्योंकि जो भी मटेरियल हम मंगाते हैं या फिर जो परचेस करते हैं वो कुछ हमको एक्स्ट्रा मंगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक साइज है, ठीक है, तो स्टॉक साइज हम उसमें से ज्यादा मंगाते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल साइज होता है उससे 3-3 mm, 5 mm एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड बोल सकते हो कि उससे आप 3 से 4 mm, 5 mm आप ज्यादा मंगाते हो, ठीक है। उसके बाद रफ CNC कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो होते हैं, CNC प्रोग्राम, VMC प्रोग्राम, इसका इस्तेमाल करके हम उसमें कैविटी का और कोर का इंप्रेशन को काटते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जहां पर हम CNC या VMC मशीन को नहीं कर सकते, वहां पर हम ADM का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब CNC का काम और VMC का काम जब कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पर हम लोग करते हैं हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कुछ अलाउंस वहां पर लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट के बाद बेसिकली हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें मटेरियल श्रिंक होता है। क्या होता है? मटेरियल श्रिंक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रिसीजन CNC प्रोसेस का फिर से इस्तेमाल किया जाता है, VMC मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, CNC मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर से मटेरियल को रिमूव किया जाता है, ठीक है। मशीनिंग इलेक्ट्रोड्स, EDM का इस्तेमाल आ गया है, अब EDM का इस्तेमाल करते हैं। EDM दो तरह के होते हैं, वायर कट EDM और इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग बाय इलेक्ट्रोड, जिसको कॉपर का इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। इसमें रफ और फिनिश दो तरह के होते हैं, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और होता है वायर कट। वायर कट में बेसिकली क्या होता है कि वायर कट में हम वायर से किसी मटेरियल की कटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जब हमारा मोल्ड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद असेंबली का, मैंने यहाँ पर एक चीज अभी बताई नहीं है, ठीक है।
लेकिन असेंबली पहले नहीं करते, असेंबली से पहले हम लोग करते हैं कोर और केविटी की पॉलिशिंग। क्या करते हैं? कोर और केविटी की पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली पॉलिशिंग कई तरीके की होती है, जैसे स्टिक पॉलिशिंग होती है, डायमंड पॉलिशिंग होती है, इस तरह की पॉलिशिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि उसमें मिरर फिनिश आ सके। कई प्लास्टिक कंपोनेंट को आपने देखा होगा जिसमें प्लास्टिक कंपोनेंट क्या होता है कि थोड़ा शाइन करता है, वो शाइन इस कारण से करता है क्योंकि उसमें हम पॉलिशिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोल्ड पार्ट्स का इंस्पेक्शन, एक एक सिंगल पार्ट का मोल्ड का इंस्पेक्शन होता है जिसको बोल सकते हो स्टेज क्वालिटी कंट्रोल। स्टेज क्वालिटी कंट्रोल में एक एक पार्ट के डायमेंशन को चेक किया जाता है कि वो चीज़ जो उसके डायमेंशन हैं, वो उसके पैरामीटर्स हैं, जो वो उसके इसके सही है कि नहीं एज पर ड्राइंग, एज पर कैड मॉडल, ठीक है। उसके बाद फिटिंग और असेंबली, जिसको बोलते हैं लास्ट में टूलिंग। तो सबसे लास्ट जो प्रोसेस होती है उसको मैं सबसे हार्ड प्रोसेस मानता हूँ फिटिंग और असेंबली में। तो बेसिकली असेंबली को करने में टाइम लगता है, जिसमें हम ब्लू मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोर और केविटी के इंप्रेशन को आपस में हम लोग ब्लू मैच करके देखते हैं कि मैं वो टच तो नहीं कर रहे बेसिकली एक दूसरे के साथ, ताकि उसकी थिकनेस को, जो कंपोनेंट की जो थिकनेस है उसको वो मेंटेन करके चले, ठीक है। तो यहाँ पर असेंबली इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद होता है मोल्ड ट्रायल, सबसे लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। इन सभी को हम कोर्स में डिटेल में देखेंगे। मोल्ड ट्रायल लास्ट प्रोसेस है जिसमें हमको कई डिफेक्ट के बारे में पता चलता है। तो जब मोल्ड का ट्रायल बेसिकली क्या होता है कि हम कंपोनेंट उस मोल्ड में से निकाल रहे हैं, जो भी डिजायर कंपोनेंट के लिए हम लोगों ने मोल्ड बनाया है उसके लिए हम उसमें मतलब कंपोनेंट निकाल रहे हैं ट्रायल में। 10 से 15 कंपोनेंट निकालेंगे हम कुछ, और वही कंपोनेंट में से देखेंगे कि एक्चुअल कंपोनेंट निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मोल्ड ट्रायल अगर सक्सेस होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर सक्सेस नहीं होता तो फिर से ये मशीनिंग के लिए जाता है, ठीक है, मतलब रीवर्किंग के लिए जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मोल्ड को अगर आपको डिजाइन करना हो तो बेसिकली हम लोग डिजाइन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप डिजाइनिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिजाइनर टूल, यहाँ पर है कंपोनेंट। पहले आपको प्लास्टिक के कंपोनेंट का 2D ड्राइंग या 3D मॉडल आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैविटीज, कितना नंबर ऑफ कैविटीज आपको बनाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ये सभी पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है मशीन के ऊपर कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कौन सी होगी, और कई पैरामीटर्स और कई हमको डाटा लेना होता है। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस पॉइंट्स के बारे में, तो आपको ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है। कंपोनेंट का मटेरियल कौन सा है, प्लास्टिक के कई मटेरियल होते हैं, है ना, जैसे ABS, PP, PC, ठीक है। PP मतलब पॉलीप्रोपिलीन, PC मतलब पॉलीकार्बोनेट, और ABS मतलब एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टीरीन। तो कंपोनेंट का मटेरियल और उसकी श्रिंकेज वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हमको कस्टमर हैंड से हमको इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए। मेथड ऑफ डिकेटिंग, मतलब रनर को और कंपोनेंट को, जो वेस्ट मटेरियल होता है, फीड मटेरियल होता है, ठीक है, फीड सिस्टम से होता है ना जो मटेरियल होता है, रनर, गेट, ये जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल और कंपोनेंट को आप कैसे डिगेट करोगे, ऑटोमेटिकली करोगे या फिर मैनुअली तरीके से करोगे। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डाटा, जहां पर आप अपना मोल्ड टूल लगाने वाले हो उस मशीन का डाटा आपको पता होना चाहिए, लाइक पैटर्न साइज, टाई बार डिस्टेंस, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। हॉट रनर का यूज आपको करना है कि नहीं, तो कस्टमर हैंड पे ये चीज हमको जानना होती है कि हॉट रनर का कस्टमर को यूज करवाना है कि नहीं, क्योंकि हॉट रनर से क्या होता है बेसिकली वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता मोल्ड में से, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल बेसिकली बच जाता है और डायरेक्ट हमारा कंपोनेंट ही हमारे पास आता है, ठीक है। तो हॉट रनर का यही है कि वेस्ट मटेरियल नहीं जाता, आप ये चीज मान के चल सकते हो। तो यस और नो उनसे पॉइंट वाइज आप उनसे लिखवा लीजिए कि मतलब हॉट रनर का यूज करना है कि नहीं, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट फॉर कंपोनेंट, कंपोनेंट की प्रोडक्शन रेट कितनी होगी, तो प्रोडक्शन रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है मटेरियल हम कौन सा यूज करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर सपोज हम कोर और केविटी के लिए कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको उस कंपोनेंट की 100 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो 100 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर हम महंगा मटेरियल या फिर हार्ड मटेरियल का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग मटेरियल यूज करेंगे जिससे 100 या 150 कंपोनेंट्स निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल, ओके, लाइक जैसे हम P20 मटेरियल क्यों यूज करेंगे जब हमारा MS मटेरियल में ही काम हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको ये चीज इसीलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर डिजाइन ए कंप्लीट मोल्ड।
अगर आपको कंप्लीट मोल्ड को डिजाइन करना है तो ये कुछ पॉइंट्स के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। जब स्टार्टिंग करते हो ना, तो स्टार्टिंग करते समय इन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, यहां पर देखते हैं, नॉलेज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मोल्ड टूल डिजाइन इंजीनियर। आपको वीएमसी मशीन, सभी मशीन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि सभी नॉलेज होना चाहिए, मतलब टूल कटर कौन सा यूज हो रहा है, बॉल नोज यूज होता है किसी मशीनिंग में, है ना, एंड मिल यूज होता है, कहाँ कहाँ पर किस तरह से यूज होता है, टैप कहाँ पर यूज होता है, तो वीएमसी मशीन का आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, है ना। यहाँ पर होता है ईडीएम मशीन, ईडीएम मशीन में इलेक्ट्रोड और वायर कट का नॉलेज आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। टूल रूम में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जो भी ऑपरेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ड्रिल होल करते हो, ड्रिल होल करने के बाद उसमें आप टैप घुमाते हो, तो टैप कितने का लग रहा है, M5 का, M6 का, M8 का, M10 का, तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मटेरियल साइंस का लिटिल नॉलेज जरूरी है। अगर आपको मोल्ड डिजाइन अगर अच्छे से करना है और आप मोल्ड डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो, तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द मटेरियल साइंस। ओके, तो मटेरियल साइंस में सिर्फ मैं प्लास्टिक का या फिर स्टील का मटेरियल का बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि हर मटेरियल का आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी अगर होगा तो अच्छी बात है। क्वालिटी कंट्रोल में आपको गेजेस के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से गेजेस हैं, वर्नियर, माइक्रोमीटर या रेडियस गेजेस, ठीक है, फिलर गेजेस, इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज अगर आप आपके पास हो तो आप एक अच्छे टूल डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक नोट भी डाला है कि अगर इफ यू हैव अ टूल मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज यू कैन बिकम अ गुड डिजाइन इंजीनियर, ठीक है। तो बेसिकली आप मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज लेना ना भूलिए। अगर आप किसी टूल रूम में अगर काम कर रहे हो तो वहां से मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज लो, ठीक है, तो आप एक अच्छे डिजाइनर बनोगे, ठीक है। बाकी तो हम लोग अगर जब कोर्स में करेंगे, अगर आप साथ में कोर्स में अगर ज्वाइन करते हो तो बाकी मैं आपको वहाँ पर चीज़ें बताऊंगा किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मोल्ड डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंगल केविटी टूल है, ठीक है, बेसिकली सिंगल केविटी है ये, तो इसको एक बार हाइड करके देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने एक टूल बनाया है आपको दिखाने के लिए। बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसमें मोल्ड बेस को मैं बताना चाह रहा था कि कौन कौन सा मोल्ड बेस का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर ये जो ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल सकते हो कि यहाँ पर मैंने कॉस्टिंग को सेव किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने टॉप प्लेट और केविटी प्लेट को एक सेम ही बना लिया है। देखो, टॉप प्लेट और केविटी प्लेट सेम ही है। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करा कि अलग से मैं टॉप प्लेट लगाऊंगा, एक एक प्लेट का खर्चा बचा लिया, एक प्लेट को ही मैंने थिकनेस दे दी। यहाँ पर सॉलिड टाइप का हम लोगों ने यहाँ पर कोर और केविटी को बनाया है, इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गाइड पिलर, गाइड बुश है, ठीक है, जिसको मैंने पीछे से बोल्टिंग किया है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर रिंग है, स्प्रू बुश है, ये सभी कंपोनेंट के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा, एक एक जो चाइल्ड पार्ट्स हैं, जो प्लेटें हैं, इसके बारे में धीरे धीरे आपको सब पता चलता जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये बोल्टिंग के आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं कुछ स्केचिंग कर्व के कुछ पार्ट हटा देता हूँ। तो देखो, मोल्ड डिजाइन अगर आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स में सीखना है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा कि मोल्ड डिजाइन सीखने से पहले आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स में अच्छी कमांड करना पड़ेगी। कैड सॉफ्टवेयर अगर आपको अच्छे से आता है तो आप मोल्ड डिजाइन को सीख सकते हो, है ना। तो थ्योरी नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें हैं, लेकिन साथ में कैड सॉफ्टवेयर आपको सीखना होगा। तो कैड सॉफ्टवेयर अगर आपको सीखना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैड सॉफ्टवेयर 15 दिन का रहेगा, अगर आपको सीखना है तो 1 जून से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी, ठीक है। और प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स है, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स का नॉलेज है पहले से, तो ₹500 रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा इसका, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।